रीवा में 16 साल की लड़की से बलात्कार में किसका क्या रोल, आइए जानते हैं सर्किट हाउस रेप केस के साथ किरदार कौन कौन है। शहर के सर्किट हाउस रेप कांड में अब तक मुख्य आरोपी महंत सीताराम समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस केस में पहली गिरफ्तारी विनोद पांडे की, दूसरी गिरफ्तारी मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ समन त्रिपाठी की, तीसरी संजय त्रिपाठी, चौथी अंशुल मिश्रा और पांचवी तौफीक अंसारी की हुई है, जबकि मोनू मिश्रा और धीरेंद्र मिश्रा फरार हैं। रेप केस में किस आरोपी की क्या भूमिका थी, आइए हम आपको बताते हैं। महंत सीताराम दास उर्फ समन त्रिपाठी ने साथियों के साथ शराब पार्टी की, रीवा के सर्किट हाउस में 16 साल की लड़की से रेप किया। आरोपी विनोद पांडे सतना से लड़की के रीवा के सर्किट हाउस बुलाया, महंत के लिए शराब पार्टी का इंतजाम भी इसी ने करवाया था। आरोपी संजय त्रिपाठी रेप के आरोपी महंत को अपने फार्म हाउस में छिपाया, सीधी तक पहुंचाने में महंत सीताराम दास की मदद की। अंशुल मिश्रा इसके कहने पर विनोद के नाम सर्किट हाउस में कमरा बुक हुआ था। अंशुल त्रिपाठी संजय त्रिपाठी का भांजा है। आरोपी मोनू मिश्रा रीवा के दुबारी से भीतर तक महंत को कार से छोड़ा, रीवा की घटना के दिन कार से चखना आदि लेकर आया था। आरोपी तौफीक अंसारी बाइक से महंत को भीतरी से सीधे के रामपुर नायकिन तक ले गया, 10,000 रुपए लिए, कपड़े दिए, फिर सिंगरौली के बस में बैठा दिया। आरोपी धीरेंद्र मिश्रा महंत सीताराम दास का पेट चेला है, महंत के गलत काम में शुरू से अंत तक साथ रहा। तो ये थे वो 7 आरोपी, जबकि मोनू मिश्रा और धीरेंद्र मिश्रा अभी भी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज़।